नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद लखनऊ में। आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दें मित्रों। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं मित्रों। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से बहुत बड़ी खबर आ रही है पीसीए 2019 के एग्ज़ाम डेट को लेकर और आर ओ के एग्ज़ाम डेट को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। आइए पूरी जानकारी हम आपको देते हैं इस वीडियो में। तो मित्रों, यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का दूसरा अर्धवार्षिक कैलेंडर मई के अंत तक जारी होगा, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अब तक पीसीएस 2019 की परीक्षा तिथि घोषित नहीं की है और ना ही आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा के बारे में ही कोई जानकारी है। आयोग मई के अंत तक जुलाई के दिसंबर तक की परीक्षाओं का अर्धवार्षिक कैलेंडर जारी करने की तैयारी में है। कैलेंडर जारी होने के बाद ही परीक्षाओं की तिथियाँ सामने आएंगी। अभ्यर्थियों का कहना है कि पीसीएस 2019 और आरओ और एआरओ परीक्षा तिथि की अब तक घोषित नहीं की गई है। परीक्षा तिथि को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है और इस वजह से अभ्यर्थियों की तैयारी प्रभावित हो रही है। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि आयोग जल्द ही जुलाई से दिसंबर तक की परीक्षाओं का वर्ष 2019 का दूसरा अर्धवार्षिक कैलेंडर जारी करे। आयोग की ओर से अब तक जनवरी से जून तक का पहला अर्धवार्षिक कैलेंडर ही जारी किया गया है। इसमें पीसीएस और आरओ एआरओ जैसी प्रमुख परीक्षाएं शामिल नहीं हैं। हालांकि पिछले वर्ष 2018 में आयोग ने जुलाई से दिसंबर तक की परीक्षाओं का दूसरा अर्धवार्षिक कैलेंडर 25 मई को जारी किया था, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि दूसरा अर्धवार्षिक कैलेंडर अप्रैल में ही जारी हो जाना चाहिए ताकि परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए पर्याप्त तो समय मिल सके। तो यही खबर थी मित्रों, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शुक्रिया।